देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, मेनका गांधी एनिमल एक्टिविस्ट हैं, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन वो उन्हीं एनिमल डॉक्टर्स के साथ बार बार जिस तरह का बर्ताव करती है, जिस तरीके से उनका तिरस्कार करती है, वो त्रासदी से कम नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी ये है कि बीजेपी ने अभी तक मेनका गांधी पर कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं। वैसे बीजेपी ने तो कभी दोनों पर ही कार्रवाई नहीं की, मेरा मतलब ना ही बड़ी मैडम पर, ना ही छोटे साहब पर, मेरा मतलब ना ही ओल्ड पर, ना ही यंग पर, मेरा मतलब ना ही वृद्ध पर और ना ही जवान पर, मेरा कहने का मतलब ना ही मेनका गांधी पर और ना ही वरुण गांधी पर। दोनों लोगों को, दोनों माँ बेटों को फोन लगाकर सामने वाले को उल्टा बोलना बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि इनके सामने सब मॉस्किटो हैं और ये सत्ताधारी शेर, कोई नहीं। अब इनके अहंकार पर ताला हम लगाएंगे, कोई नहीं। अब इनके अहंकार को ढेर हम करेंगे और इनको बताएंगे कि जनता ने इनको उस जगह बैठाया है और जनता इनको उस जगह से उतारना भी जानती है। याद रखिए मैडम मेनका गांधी जी, जनता के वोट से आपको सत्ता मिली है, आपके खानदान की प्रॉपर्टी नहीं है ये सत्ता। वैसे एक बात बताऊं, मेरे लिए अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं तो पीछे हटने वाला हूं नहीं, क्योंकि अगर समाज में मेरी पत्रकारिता से इतना सा भी बदलाव आता है ना, इतना सा, तो आई विल फाइट टिल लास्ट एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, क्योंकि मैंने या मेरी टीम ने कभी भी किसी पॉलिटिशियन से एक सुई भी नहीं ली। अगर आपका पूरा फ्लैट ही उन पॉलिटिशियंस की मेहरबानी से बना हो तो आप मीठी मीठी मिश्री मिश्री बातें ही तो करो, जैसा कि आजकल उनके आसपास वो घूमने वाले जो पत्रकार है ना वो करते हैं। आप लोग भी घूम लो मेरे साथ ही पत्रकार, आई एम वॉचिंग यू। लेकिन जरा सी भी पत्रकारिता बची हो ना तो मेनका गांधी जी से कहना कि मेरी टीम का फोन उठा। इस तरह अवॉइड करने से कुछ होने वाला है नहीं, और अगर उनको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मेरे साथ डिबेट कर ले, 1-to-1, आई एम इनवाइटिंग माय एमपी। लेकिन मेनका गांधी जी के पास सत्ता है, वो सांसद है, इसलिए कि किसी को गाली देंगी क्या? और क्या सोचती है मेनका गांधी जी कि किसी भी डॉक्टर को यूं ही फोन करके आप गाली देती रहेंगे, बुरा भला कहती रहेंगे और कुछ नहीं हो? तो मैं कहना चाहता हूं मेनका गांधी जी से कि मेनका जी, आपकी बदसलूकियों का घड़ा अब फुल हो चुका, अब भर चुका है, और मुझको फर्क नहीं पड़ता कि कोई और मीडिया वाला इस मुद्दे को लेकर इतना डरा हुआ क्यों है भाई। इसके साथ ही ध्यान रखिए मेनका गांधी जी, आपके एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स इंडिया पीएफए, जिसको कि खूब सारा फंड मिलता है, वेटनरी डॉक्टर्स वहां के भी खूब वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं मेनका जी, वहां पर लापरवाहियों के वीडियो से भी सोशल मीडिया पटा पड़ा है। खैर मेनका गांधी जी, अगर आपने सत्ता के अहंकार में इस तरह का बर्ताव किया, अगर आपने अपने प्रिविलेज क्लास का इतना खराब इस्तेमाल किया, अगर आपने हमारे वेटनरी डॉक्टर्स को इस तरह से अपमानित किया है, और अब आपका वीडियो, अब आपका वो जो ऑडियो का जो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आ चुका है, पीड़ित डॉक्टर भी बता रहा है कि किस तरह से आपने उसके साथ अभद्रता की है, तो मेनका गांधी जी कम से कम थोड़ी तो इंसानियत दिखाना चाहिए ना। सबको पता है कि आपको अपने पद का, अपने सरनेम का इतना घमंड है, लेकिन आपको कम से कम जो आप अब कर सकती हैं, लीस्ट यू शुड डू इज टू अपोलोजाइज। मिसेस गांधी, आपको हमारे वेटनरी डॉक्टर्स से माफी मांग लेनी चाहिए। बाकी जब तक आप माफी नहीं मांग लेती, मैं रोज रात को 9 बजे अपने शो भारत एट नाइन में आपका ऑडियो प्ले करता रहूंगा, रोज रात को मैं प्ले करूंगा। आई डोंट केयर अबाउट मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आई प्ले योर ऑडियो एवरी नाइट एट 9 PM, आई प्ले। और आपकी नजर मेरे शो पर रहती है ये मुझको पता है, लेकिन आप हमारी टीम की कॉल को क्यों इग्नोर कर रही हैं? और जब तक मेनका जी आप माफी नहीं मांग लेती, जब तक आप रिटन अपॉलॉजी नहीं दे देती, मैं आपके सारे पुराने मैटर खोल कर रख दूंगा, आपके हर एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान को मैं फिर से ताजा कर दूंगा और भारत को दिखाऊंगा कि देखिए मेनका गांधी जी हर बार यही करती, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, गजब है। प्रॉब्लम क्या है मेनका गांधी जी? आपने गुस्से में आकर कोई बात कह भी दी, वेटनरी डॉक्टर्स को बहुत
भले लोग हैं, आपको माफ कर देंगे। आप माफी मांगिए तो सही, और अगर आप सोच रही हैं कि नहीं मांगेंगी तो ये आपकी भूल है मिसेस गांधी। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि मेनका गांधी और उनके सुपुत्र वरुण गांधी की इससे पहले कई ऑडियो वायरल हो चुकी जहां सिर्फ अहंकार ही अहंकार नजर आता है। और हो भी क्यों ना, मेनका गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिस परिवार की उंगलियों पर देश की सियासत नाचा करती थी। आप पूरा बैकग्राउंड समझिए, फिर आप जान जाएंगे कि अहंकार आखिर क्यों हावी। इस रिपोर्ट को देखिए। ১৯৮০ के दशक की शुरुआत, सास बहू का सबसे बड़ा झगड़ा। 1980 का दशक, जेठ और बहू में सबसे बड़ी चुनावी जंग। 1990 का दशक, जेठानी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष और देवरानी मेनका गांधी बीजेपी में। 21वीं सदी का पहला दशक, राहुल गांधी कांग्रेस से सांसद और वरुण गांधी बीजेपी से सांसद। 1980 की ये कहानी आपको इसलिए बताई गई है ताकि आप समझ सकें कि सांसद मेनका गांधी और उनके सांसद पुत्र वरुण गांधी किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी किनारा नहीं किया जा सकता कि अगर देश की प्रधानमंत्री रहीं और मेनका गांधी की सास रहीं इंदिरा गांधी ने कभी आम जनमानस से इस तरह का बर्ताव नहीं किया। खबरों में आज भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी का इस तरह का बर्ताव कभी भी जनता के सामने नहीं आया है, लेकिन मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी की समय समय पर लोगों को बेइज्जत करने की ऐसी ऑडियो टेप्स वायरल होती रही हैं। उनमें कितनी सत्यता है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इस कद के नेता के मुंह से जब इस तरह के शब्दों का आदान प्रदान देखा जाता है तो देश में एक बार फिर आम आदमी की दयनीय तस्वीर साफ दिखाई देती है। समझ आता है कि आज भी हमारे समाज में नेताओं ने अपने दिलो दिमाग से उस लाल बत्ती को नहीं निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बत्ती कल्चर को तो बुझा दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अपने सांसदों के दिमाग से लाल बत्ती कल्चर नहीं निकाल सके। मेनका गांधी ने जिस तरह से वेटरनरी डॉक्टर से बात की है वो किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते, और ऐसे सांसद संसद का हिस्सा भी नहीं हो सकते। मेनका गांधी की डॉक्टर विकास शर्मा के साथ बातचीत के इस हिस्से को सुनिए जहां वो जबलपुर से लेकर उनके परिवार तक पहुंच जाती हैं और शब्दों से डॉक्टर के आत्मसम्मान का कत्ल करती हैं। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश, तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम एनडीवीएसयू जबलपुर। कहाँ? एनडीवीएसयू जबलपुर। एनडीवीएसयू जबलपुर जो सबसे घटिया जगह है, तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, जहाँ आप बोलो मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है? अच्छा, किस और तुम किस लिए गए इस धंधे में, पैसे कमाने? धंधे में मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर अच्छा मैं तुमको तुमसे और बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं। इसके बाद आगरा के वेटरनरी डॉक्टर एलन गुप्ता से जिस बदतमीजी के साथ वो बात करती हैं उसे हम ना ही अंग्रेजी कहते हैं ना ही हिंदी भाषा कहते हैं, उसे समाज में टपोरी भाषा के नाम से जाना जाता है। देखिए आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं। जो गलती होती है सो गलती होती है। नहीं, मैं अब आपने अब अगर नई गलती मानोगे आई विल हैव योर लाइसेंस टेकन इन द नेक्स्ट वन मंथ, डू यू अंडरस्टैंड? मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया। नहीं मैं तो इकोलर कह रहा हूँ। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है
कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशंस में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से ही देश भर के वेटरनरी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सांसद मेनका गांधी के मुंह से माफी का एक स्वर भी निकल पाता। लेकिन इस तरह से गालियां देने वाली सांसद को संसद में जगह देना संसद का अपमान होगा, और अगर मेनका गांधी को जरा भी एहसास से शर्मिंदगी है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बाकी मेरे साथी पत्रकारों, आप मुझको बार बार फोन कर रहे हैं, मैं आपका फोन उठा नहीं पा रहा। मैंने सोचा था अपने शो में बता देता हूं, आप मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि इस मुद्दे के पीछे क्यों पड़ गए हो भाई, इतना बड़ा मसला नहीं है, दूसरे मुद्दे उठा लो, सत्ता की ये बात, सत्ता की वो बात, आज सिद्धू ने मुलाकात की है, ये मुद्दा उठा लो, वो मुद्दा उठा लो। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक कि मेनका गांधी जी माफी नहीं मांगे, क्योंकि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ा वर्ग, वेटनरी डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं, उनको चोट पहुंची, उनको बुरा लगा है, दे आर फीलिंग हर्ट, और आज उनके साथ अगर हम खड़े नहीं हुए ना, तो आगे चलकर कोई किसी के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। हम लोगों को लड़ना है, हम लोगों को नहीं लड़ना, छोटे पिरामिड के पीक से लड़िए ना। कब तक छोटी छोटी चीजें, कब तक छोटी छोटी चीजें। मानता हूं भाई एमपी है, मानता हूं भाई खबर दिखाने में घाटा है, मानता हूं भाई डर है, मानता हूं भाई खतरा है, कब तक इस डर के साए में आप दीवारों के पीछे खड़े रहे, कब तक। एटलीस्ट I am telling about myself. I am not afraid of anyone because I am telling the truth and I am with the truth. I am with my veterinary doctors and so I am saying this again by the way. I am not afraid of anyone. Baki update ye hai aaj ka ki ek abhadr bhasha ka istemal karne ke mamle mein sansad Menaka Gandhi ko notice bheja gaya hai. Ye notice Madhya Pradesh ke Pashu Chikitsalay Vigyan Vishwavidyalay जबलपुर के सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं एक अन्य व्यक्ति ने भेजा है। नोटिस में सांसद मेनका गांधी द्वारा हाल में जो एक पशु चिकित्सक के साथ हुए वार्तालाप को लेकर उनसे माफी की मांग की गई। ये जानकारी नोटिस भेजने वाले प्राध्यापक डॉक्टर पीजी नाज पांडे एवं एक अन्य व्यक्ति रजत भार्गव के वकील दिनेश उपाध्याय ने हमको दी है, हमारी टीम को दी है। बाकी आज का भारत एट नाइन यही था। बाकी मेरी टीम आज आगरा पहुंची है जो गुप्ता साहब है उनसे बात करने। कल के भारत एट नाइन में मैं गुप्ता साहब ने जो कुछ कहा वो आपको दिखाऊंगा। बाकी और भी कई क्लिप्स आ रही है मेरे पास, पूरे देश भर से वेटनरी डॉक्टर्स जो है मेरे कांटेक्ट में आ चुके हैं, वो खूब सारी क्लिप्स भेज रहे हैं, खूब सारी। वो बता रहे हैं कि देखिए मेनका गांधी जी ने ये किया, मेनका गांधी जी उनके साथ तब बात की, मेनका गांधी जी ने उनके साथ इस तरह से बात की। पूरी किताब खुल चुकी है और किताब का एक एक पन्ना, एक एक पन्ना मैं भारत एट नाइन में रोज पढ़ता रहूं। तो जैसा कि मैंने वादा किया है कि जब तक मेनका गांधी जी माफी नहीं मांग ले, ये अध्याय यूं ही चलता रहेगा। रोक सको तो रोक। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे इस महाअभियान में, इस अध्याय में। परत दर परत खोल कर रख दूंगा, किताब का एक एक पन्ना पढ़ूंगा और हर वीवीआईपी रेसिज्म जो जहन में बस चुका है ना, उसका इलाज हो, उसको हम ठीक करें। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे, आप बने रहिएगा भारत एट नाइन के साथ। धन्यवाद।